पांच दिवस से क्रमबंद काम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारी व कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के चौथे दिन मांगे पूरी नहीं किए जाने पर अगस्त क्रांति किए जाने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपने मौलिक अधिकार को लेकर तीसरे चरण में पांच दिवसीय कलमबंद कामबंद का आह्वान के चौथे दिन छत्तीसगढ़ के पावन हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से तोहफे के रूप में फेडरेशन की मांगे पूरी होने का इंतजार रहा, मगर वहीं अभी तक कोई प्रशासनिक पहल न होने से आक्रोशित फेडरेशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से नाराजगी जताते हुए अगस्त क्रांति की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद पूरे तरीके से कलमबंद काम बंद कर अपना आंदोलन जारी रखा जाएगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलमबंद कामबंद हड़ताल पर है, जिससे पूरे प्रदेश भर में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है, जिसमें 6 महीने से लगभग हमारे यहाँ 12% हम अन्य प्रदेश के तुलना में हम कम हमारी सरकार दे रही है, और सातवें वेतनमान पर हमको जो गृह भाड़ा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रही है। ये दोनों मुद्दों को लेकर के आज हम 14 दिन तक आंदोलन में बैठे हुए हैं। कर्मचारियों में निराश है, सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी जैसी कोई कहीं बात ही नहीं आया है। इनका दो सत्र निपट गया, कल भी हमको एक उम्मीद थी कि इनका सत्र चल रहा है कर्मचारी को हित के बारे में, पिछले 4 दिन तक लगातार कर्मचारी बैठे हैं तो कुछ निर्णय आएगी करके, लेकिन सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ जो ये भेदभाव नीति अपना रही है, इसलिए कर्मचारियों में भारी आक्रोश बढ़ती जा रही है, और यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानते तो जैसा भी हमारे प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी जी बता रहे थे कि अगस्त क्रांति का आगाज होगा तो पूरे कर्मचारी तहसील से लेकर के जिला इकाई तक पूरे लामबंद है, बिल्कुल तैयारी है, आक्रोश है, बहुत ही आक्रोश बढ़ती जा रही है। आज हमने आंदोलन के चौथे दिन का शुरुआत हरेली दिन का पूजा करके हमने शुरुआत किया है, और अभी हमारा 1:30 बजे के बीच में हमारे कर्मचारियों द्वारा रोज व्यक्त करके अपने महादान के रूप में खून दान देकर के आज के हमारे 14 दिन के आंदोलन का शुरूकरण करने जा रहे हैं, और आज हम विधि रूप से हरियाली का प्रकृति का हमने यहाँ पर जो गाँव में हमारी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार है उसको हम सामूहिक रूप से यहाँ पर धरना स्थल पर हमारे पूरे कर्मचारी भाई अधिकारी सब मिलकर के हमने यहाँ पर अभी मनाया है, और हम छत्तीसगढ़ की परंपरा को माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करा रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल कर्मचारी परिवार उसके साथ में है, और हम उस परंपरा को कायम जीवित रखेंगे। ठीक, तो हम हरेली तिहार मनाएंगे, मना रहे हैं, हमने जितने कृषि यंत्र है सबका हमने पूजा अर्चना किया है, और हमने इस बात का क्षमा मांगा है छत्तीसगढ़ की महतारी से कि हम आपकी सेवा में आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दिल से हम छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए हम सबसे प्रतिबद्ध हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े त्यौहार में हमारे कर्मचारी अधिकारियों को उनके अधिकार को देंगे, लेकिन अभी तक 3 बजे तक हम इंतजार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्ग जिले में आने वाले हैं, ये वर्तमान स्थिति है हमारे पूरे प्रदेश में। हम कल रात से और आज का भी हमारा रणनीति बहुत स्पष्ट है, अगर 29 तारीख हमारा लास्ट है, कल हम महारैली करेंगे, और आज हमारे कर्मचारी अधिकारी रक्तदान करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी अभी चल रही है, और अगर छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई में निर्णय नहीं ले पाए तो पूरे प्रदेश में अगस्त क्रांति होगा, और ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सारे प्रांत अध्यक्ष से हम संपर्क में हैं, 146 विकासखंड के संयोजक हमारे संपर्क में हैं, हम और कमल वर्मा भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, अगस्त क्रांति होने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम सारे लोगों से जो हमको इंटरनल करना अभी नहीं बता पाऊंगा मैं हर चीज़ को, आंतरिक तौर पे हमारी तैयारी चालू हो चुकी है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है, और सरकार के प्रति इस बात को लेकर आक्रोश है। कम से कम वार्ता तो करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, देश का कोई ऐसा संविधान नहीं बना है जिसमें ये ना कहा जाए कि हड़तालियों से बात ही मत करो, इस तरह का अगर उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहेगा तो हम जनता से क्षमा मांगते हुए अगस्त में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय ले रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने इस 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई रास्ता नहीं निकाले जाने से आगामी दिनों में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अगस्त क्रांति की चेतावनी देते हुए लगातार आंदोलन जारी रखने की बातें कही हैं। अब देखना लाजमी होगा कि फेडरेशन की चेतावनी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अपना क्या रुख इख्तियार करती है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।